हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट इंडिगो रिबेलियन। यहां दोस्तों, इंडिगो रिबेलियन जो कि पोस्ट 1857 रिवोल्ट में एक अहम रिवोल्ट माना जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। इंडिगो रिबेलियन के बारे में पर्टिकुलरली बात की जाए तो 1859 टू 1860 ये रिबेलियन चलता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले इसके बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड देन द प्रोसेस ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन एंड देन ऑपरेशन बाय द इंडिगो प्लांटर्स। उसके बाद पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो इस रिबेलियन में रोल ऑफ द एडुकेटेड क्लासेस के बारे में बात करेंगे एंड देन फाइनली जो एक आर्म्ड क्लैश होता है बर्थ ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट को लेकर, उसके बाद सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट होगा, लीडरशिप के बारे में बात करेंगे दोस्तों एंड फाइनली इसके एक रिजल्ट के बारे में देखेंगे। राइट, सो हैव वी स्टार्ट। सो अगर इंडिगो के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सो ये कहीं ना कहीं प्राचीन काल से ही, यानी एंशियंट टाइम से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अट्रैक्टिव गुड्स रही है कहीं ना कहीं, जो ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट, सो नाउ अब इंडिगो कल्टीवेशन जो इंडिया में पुराना प्रैक्टिस के तौर पर माना जाता है, यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली द फ्रेंच ट्रेडर जिनका नाम था लुईस बोनार्ड, वो पहले फर्स्ट इंडिगो प्लांटर की एसेस से माने जाते हैं एंड द इंग्लिश ट्रेडर जिनका नाम था कार्ल ब्लैम, KARLBLAM, कार्ल ब्लैम, एंड हैड फर्स्ट बिल्ट द इंडिगो इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये थी छोटी सी एक बैकग्राउंड दोस्तों, पता चलता है इस बारे में कि कौन से लोग थे जिन्होंने यहाँ पर जो फॉरेन इनिशिएटिव थी, किन लोगों ने यहाँ पर आखिरकार इंडिगो प्लांटेशन को, कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये भी पता है कि ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड जो कि 18 शताब्दी में हुआ था, 18th century में, सो देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन थी उसमें एक रेज देखा जा सकता है, एक बढ़ोतरी देखी जा सकती थी। राइट, इसके नतीजे में, एक रिजल्ट में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि डिमांड फॉर इंडिगो वाज आल्सो वेरी हाई, तो ये एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर था दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इसी पीरियड में, यानी 18th century में ही कहीं ना कहीं कंपनी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम बन जाता है एंड ड्यू टू द कंपनीज डायरेक्ट इंटरवेंशन इंडिया टुक फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड्स इंडिगो प्रोडक्शन। या दोस्तों 1782-1802 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली अगर इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, सो बंगाल के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल की जो इंडिगो कल्टीवेशन की जो क्वालिटी थी वो सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती थी। नाउ अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे फैक्टर की तरफ, द प्रोसेस ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में। सो मामला दरअसल ये है कि इंडिगो प्लांटर्स जो हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं कल्टीवेशन के लिए बाय पेइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लैंड ओनर को पे किया करते थे, एक बड़ा अमाउंट, और उसके बाद उनके जो लैंड्स थे वो लीज पर ले लिया करते थे फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों को भी हायर किया जाता था फॉर द कल्टीवेशन। लेकिन होता क्या था, अल्टीमेटली वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे जिसकी वजह से जो है उनके सामने एक कन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता था। और कन्फ्लिक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब ये लोग किसी भी टाइप से कॉन्ट्रैक्ट जब बनाते थे, इंडिगो प्लांटर्स जो होते थे वो कहीं ना कहीं कुछ ट्रिकी मेजर्स भी अपनाते थे वाइल मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। सो एज अ रिजल्ट द फार्मर्स रिमेंड इन डेब्ट थ्रू देयर लाइव्स एंड इट वॉज इम्पॉसिबल इवन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू बी फ्री फ्रॉम इट। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये प्रैक्टिस जो है, एक इविल प्रैक्टिस के नाम से जो है वहाँ इंडिगो फार्मर्स के अमंग में ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये एक इविल प्रैक्टिस है। राइट, सो नाउ दे यूज टू गेट अ मर्ज प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस विच वॉज इनसफिशियंट इवन टू मीट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। राइट, सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। अब बात करेंगे दोस्तों ऑपरेशन बाय द इंडिगो प्लांटर्स। सो ऑपरेशन के बारे में, यानी जुल्म जबरदस्ती के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो कहीं ना कहीं जो प्लांटर्स हुआ करते थे ये कहीं ना कहीं इसको फोर्स किया जाता था, प्लांटर्स फोर्स किया करते थे पुअर फार्मर को कि वो इंडिगो को जल्दी से जल्दी कल्टीवेट करें और बेस्ट क्वालिटी भी ऑब्टेन करें।
राइट। सो मीनवाइल कल्टीवेशन के प्रोसेस के दौरान जब कल्टीवेशन ठीक से ना हो पाती तो दे यूज टू बीट मर्डर बर्न एंड लूट योर होम्स। तो ये सब बहुत ही कॉमन फैक्टर हुआ करता था। फोर्सिबली इम्प्रिजन देम इन द फैक्ट्री, कहीं ना कहीं नॉट इवन हेजिटेटिंग टू अबडक्ट देयर वुमेन फोक, तो एंड कहीं ना कहीं मोलेस्ट भी करते थे। तो ये सब एक जो बातें हैं कहीं ना कहीं बताई गई है डिफरेंट लिटरेरी सोर्सेस में। एक और मजे की बात ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जब इनके साथ जुल्म जबरदस्ती की जाती थी, इनको ऑप्रेस किया जाता था, तो फार्मर्स और जो कॉमन पीपल जो हुआ करते थे ये बेसिकली कोर्ट जाने की भी लायक नहीं हुआ करते थे। बिकॉज क्या होता था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी टाइप से सेट किए जाते थे जो हमेशा वो प्लांटर्स के फेवर में उभर कर आता था मामला। और साथ ही साथ कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता था कि प्लांटर्स जो है वो खुद जजेस की हैसियत से कोर्ट में बैठा करते थे, तो जस्टिस का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि रोल ऑफ द एडुकेटेड क्लासेस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से एडुकेटेड क्लास जो थी किस तरीके से इनके फेवर में आकर, यानी जो प्लांटर्स जो हुआ करते थे, पुअर फार्मर्स जो हुआ करते थे, कॉमन पीपल जो हुआ करते थे, उनके फेवर में किस तरीके से ये रोल प्ले करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर एक और बात है दोस्तों कि ये 1859 में हुए रिवोल्ट जो है इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड है। लाइक अगर ऑपरेशन के बारे में पर्टिकुलरली बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही चली आ रही थी। एंड देखा जा सकता है कि इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन मई 1822 के ऑपरेशन को लेकर बाय द इंडिगो प्लांटर्स न्यूज़पेपर में, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आते हैं, पर्टिकुलरली समाचार चंद्रिका और समाचार दर्पण, ये कहीं ना कहीं इनके ऑपरेशन और सप्रेसिव मेजर्स को छापती है अपने न्यूज़पेपर में, राइट। लेटर ऑन हरीश चंद्र मुखर्जी जो कि एडिटर थे हिंदू पैट्रियट के, गिरीश चंद्र घोष, मनमोहन घोष, शिशिर कुमार घोष, किशोरी चांद मित्रा, द्वारकानाथ, विद्याभूषण एक्सेट्रा, ये कहीं ना कहीं हेल्प करते फार्मर्स को इन मेनी वेज, और कहीं ना कहीं उनको एक यू नो पैसिव और इनएक्टिव लीडरशिप देते, राइट। सितंबर 1860 में क्या होता है द फेमस प्लेज, यहाँ दोस्तों इस कंटेक्स में रोल ऑफ एडुकेटेड क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेमस नील दर्पण एक प्ले होता है, एक ड्रामा होता है, जिसको कहीं ना कहीं दीनबंधु मित्रा ये पब्लिश करते हैं। सो नील दर्पण जो कि एक ड्रामा है दीनबंधु मित्रा के जरिए पब्लिश होता है, और इस प्ले में वो दिखाते हैं कि किस तरीके से गोल्डन बंगाल जो है वो अल्टीमेटली टर्न होता है इनटू अ ग्रेवयार्ड बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स। या दोस्तों बाद में क्या होता है, रेवरेंस जेम्स लॉन्ग ये इंस्पायर होते हैं माइकल मधुसूदन दत्ता से, और उनको कहते हैं कि ये ओरिजिनली पब्लिश्ड नील दर्पण जो कि प्रोबेबली संस्कृत और बंगाली में थी, इसको कहीं ना कहीं माइकल मधुसूदन दत्ता के जरिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गया। सो देन द प्लांटर्स ब्राउड अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट जेम्स लॉन्ग, और उसके बाद फिर फाइनली उनको ही वॉज सेंटेंस टू 1 month जेल एंड वॉज फाइंड 1000 rupees। तो ये मामला कहीं ना कहीं जेम्स लॉन्ग जो कि खुद एक ब्रिटिश है उनको चुकाना पड़ जाता है दोस्तों, राइट। सो आगे बढ़ वेल ये रिवोल्ट आखिरकार स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ 1859 एंड द इंडिको रिवोल्ट जो के स्टार्ट होता है इन द विलेज ऑफ चौगछा नियर कृष्णनगर। जी हाँ दोस्तों, कृष्णनगर जो के नदिया डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां चौगछा एक विलेज है, वहां से स्टार्ट होता है एंड ग्रेजुअली देखते देखते ये रिवोल्ट स्प्रेड होता है इन द रीजन ऑफ नदिया, जेसोर, पबना, फरीदपुर, राजशाही, खुलना, मालदा, दिनाजपुर एंड बारासात, इन सब जगह पर ये मूवमेंट ये रिवोल्ट फैल जाता है। द होल बंगाल कहीं ना कहीं that was turned into a hotbed of contention, right? So about 60 lakhs peasants इस movement को, इस uprising को join करते हैं with armed with simple weapons like swords, lances, bamboo sticks and shells etc etc. And कहीं ना कहीं peasants जो है वो boycott करते हैं indigo cultivation को, right? और उसके बाद एक armed clashes स्टार्ट हो जाता है अल्टीमेटली, और विष्णुचरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास ऑफ चौगछा विलेज ये कहीं ना कहीं पीजेंट्स को लीड करते हैं, और इस तरीके से इंडिको कल्टीवेशन के मतलब इंडिको कल्टीवेटर्स के खिलाफ ये लोग रिवोल्ट को जारी रखते हैं। लेकिन आखिरकार इस रिवोल्ट को भी सप्रेस कर दिया जाता है, गवर्नमेंट अल्टीमेटली पुलिस को भेजती है, मिलिट्री फोर्सेस को भेजती है, और अलग अलग जगह में इस मतलब डिस्टर्ब किया जाता है लोगों को, एंड देन फाइनली
11th एक्ट को पास किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 11th एक्ट विद इन सिंगल इनवर्टेड कॉमा ये पास होता है। एंड देन इन दिस एक्ट इट वाज स्टार्टेड दैट वेयर एवर द पीजेंट्स हैड टेकन एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स दे हैड टू कल्टीवेट इंडिगो, अदरवाइज दे वुड हैव टू पे फाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर बीघा। तो ये कहीं ना कहीं, और अदरवाइज दे हैव टू सेंड देम टू जेल, राइट। सो इस टाइप की बातें होती है। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि मीनवाइल बहुत सारे ब्रिटिश के बीच में ही एक कन्फ्लिक्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि लाइक ब्रिटिश बाहर से जो मिशनरीज आती है, मिशनरीज एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाती है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ से इंडिको पुअर फार्मर्स जो होते हैं वो निकल कर मिशनरीज के पास जाते हैं और उनको अपना मामला बताते हैं, लेकिन मिशनरीज जो है वो अपने इंटरेस्ट को देखती है कि उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि वो अपने एक मोटिव के साथ यहाँ आती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये इंटरेस्ट उनका ख़राब होता है। मीनवाइल उनके बीच में भी एक कन्फ्लिक्ट होती है, यानी ब्रिटिश ऑफिशियल्स और ब्रिटिश मिशनरीज में भी एक झेड़ हो जाती है, कन्फ्लिक्ट हो जाती है। अल्टीमेटली मूवमेंट को किसी तरीके से ये लोग सप्रेस तो कर पाते हैं और ये मूवमेंट 1860 में आखिरकार खत्म हो जाता है, राइट। सो प्रेजेंट मूवमेंट इन बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रिवोल्ट। सो टिल देन इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड